प्रतीक ने खुद बताया कैसा था बिग बॉस सीजन 15 का उनका सफर। बोले, ट्रॉफी से बढ़कर मुझे मिला जनता का प्यार। प्रतीक ने वूट को दिए गए इंटरव्यू में बिग बॉस के खुद के सफर को शब्दों में बयां किया है और ये बताया है कि बिग बॉस ओटीटी के बाद बिग बॉस सीजन 15 में आना उनके लिए सौभाग्य की बात थी, लेकिन बिग बॉस ओटीटी में प्रतीक को जो शोहरत मिली थी उसे बरकरार रखना उनके लिए किसी चुनौती से कम नहीं था। इसीलिए एंट्री के समय प्रतीक पर काफ़ी प्रेशर था, लेकिन जनता का प्यार और बिग बॉस के घर में बने उनके दोस्तों की वजह से बिग बॉस सीजन 15 का उनका सफ़र आसान हुआ। प्रतीक ने बताया कि वो बिग बॉस के घर में हुई हर छोटी बड़ी बातों को हमेशा याद रखेंगे क्योंकि उनके लिए ये बिल्कुल अलग सा अनुभव था। उन्होंने बताया कि बिग बॉस के घर का हर लम्हा वो हर वक्त जिए हैं और वो सारे लम्हे उनके दिल पर छपे हुए हैं। साथ ही प्रतीक ने यह भी बताया कि अब उन्हें विश्वास हो गया है कि अगर हम कोई सपना देखते हैं और उसके लिए शिद्दत दिखाते हैं तो वो पूरा ज़रूर होता है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सपना देखा था कि शो के होस्ट सलमान खान उनके हाथों को ऊपर हवा में लहराएंगे। प्रतीक ने सपना देखा था कि वो बिग बॉस के घर में जाएंगे। प्रतीक ने सपना ये भी देखा था कि वो ट्रॉफी जीतेंगे। सारे सपने तो पूरे हुए लेकिन ट्रॉफी प्रतीक के नाम नहीं हो पाई। फिर भी प्रतीक ने ये कहा कि ट्रॉफी से बढ़कर मुझे जनता का प्यार मिला। सिर्फ ट्रॉफी मुझे नहीं मिली, मेरे बाकी सारे सपने पूरे हुए और अब उन्हें ये यकीन हो गया है कि अगर हम शिद्दत से किसी चीज़ को चाहते हैं तो पूरी कायनात उसे हमसे मिलाने में मदद करती है और ये सब कुछ जनता के मिले प्यार की वजह से ही संभव हो पाया है। प्रतीक ने अगले सीजन में आने वाले नए कंटेस्टेंट्स के लिए कहा कि आप आइए, ख्वाब देखिए, हर रोज़ जिए और हर रोज़ मरें। अपना विश्वास हमेशा बनाए रखें, जनता पर विश्वास रखें, ट्रॉफी आपकी ज़रूर होगी। अगर ट्रॉफी नहीं मिलती है तो ट्रॉफी से भी बड़ी एक चीज़ है जनता का प्यार, वो आपको अवश्य मिलेगा। प्रतीक ने आखिर में ये भी कहा कि पिक्चर अभी ख़त्म नहीं हुई है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। इंटरटेनमेंट से जुड़ी इसी तरह की खबरें लगातार पाने के लिए आप जुड़े रहिए हमारे चैनल से और अपनी प्रतिक्रिया कमेंट्स के ज़रिए हम तक ज़रूर पहुँचाएँ।